भोजपुरी के मशहूर कलाकार विकी सिंह दसौंधी बहुत जल्द एक नई फिल्म के साथ अपने दर्शकों के सामने होंगे। इस फिल्म में विकी सिंह के साथ देश के जाने माने भोजपुरी कलाकार भी शामिल होंगे। इस फिल्म का नाम रघुराम है और दिल्ली में इसका पोस्टर भी लॉन्च कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 नेशन की खास खबर। ओशन फिल्म के बैनर तले बनने वाली भोजपुरी फिल्म रघुराम के पोस्टर को दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर नायडू, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, सेंट्रल कमेटी फाइनेंशियल चेयरमैन रईस खान पठान और दिल्ली पुलिस के उपायुक्त विजय पाल सिंह तोमर मौजूद रहे और सभी ने विक्की सिंह समेत फिल्म के डायरेक्टर आनंद डी घटराज को शुभकामनाएं दी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार के तौर पर विक्की सिंह दसौंधी के साथ नायिका रोशनी चौबे, आनंद मोहन पांडे, महेश और नीरज श्रीवास्तव दिखाई देंगे। इस फिल्म की स्टोरी ऐसी लड़की पर आधारित है जो विदेश से पढ़कर आती है और गांव के हालात से लड़ने के लिए सरपंच का चुनाव लड़ती है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ये सिल्वर स्क्रीन पर आप सभी के सामने होगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।